डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.10 को पढ़ना शुरू किए हैं। तो एक्सरसाइज 7.10 का अगर बात करें तो इसमें से दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कम्प्लीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इसमें 3 में बोला जा रहा है क्वेश्चन कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट दिया है 0 से लेकर 1 तक, और साइन इनवर्स 2x/1 + x² है और इनटू में dx। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर में है 2x/1 + x² इनटू dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सबसे पहले हर हाल में हमको किसी न किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर हम लिमिट पुट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में करना सीखे हैं कि 7.2 में हम लोगों ने सीखा है कि अगर इनवर्स के अंदर में अगर ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग कैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट एक्स की जगह पर टेन थीटा, एक्स की जगह पर क्या करते हैं हम लोग, पुट टेन थीटा पुट करते हैं। तो एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीएक्स, और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पड़ेगा 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा इंटू इस डीएक्स, तो डीएक्स के जगह पे होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देख लो, तो 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स, अब एक फार्मूला याद रखियो भाई, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 + tan² थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से बचता है 0 से लेकर 1 तक, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद यू इंटू वी का इलेट रूल पे करेंगे बाईपार्ट रूल, तो ये तो अलजेब्रा में आ जाएगा, ये हम लोगों को ट्रिगो में आ जाएगा। तो अलजेब्रा और ट्रिगो में ये हो जाएगा यू, इलेट में सबसे पहले ए आता है बाद में वी आता है। तो कुल मिलाकर 2 तो ठीक ठाक है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, यू को बाहर करो, थीटा को बाहर कर लिया, वी का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा बाई डी थीटा, छोटा इंटीग्रेशन और फिर वी का इंटीग्रेशन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और पूरा का फिर से डी थीटा, और ये जो आया इसका लिमिट 0 से लेकर 1 तक। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 तो ऑलरेडी 2 ही रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद थीटा है तो थीटा का थीटा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा रख दिया, फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन, देखो इसका वैल्यू डी थीटा का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा डी थीटा, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका, तो 2 का 2 हो गया, थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये होता है हम लोगों का
फार्मूला टेन थीटा का, तो टेन थीटा हो गया लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया जीरो से लेकर वन लिमिट, ठीक है, लिमिट बैठाते चले हम लोग। तो इस तरीके से लिमिट तो हम लोग वहाँ पे बैठाते चले जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या माने हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा माने हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन अगर इधर जाता है तो इनवर्स चढ़ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ टू का टू रखेंगे, इस थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन का तो टेन रखेंगे और थीटा उसके अंदर है, तो टेन इनवर्स एक्स, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हम लोगों का ना, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, फिर से माइनस आएगा इसका फार्मूला तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्लस, क्योंकि टेन एक्स का क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो इसका माइनस और इसका माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लॉग मॉड ऑफ कॉस के अंदर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर मॉड और लिमिट जीरो से लेकर वन तक। तो इस तरीके से टू हो गया टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स ही रहा इंटू टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होता है तो एक्स बचता है, प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस टेन इनवर्स एक्स और फिर लिमिट जीरो से लेकर वन तक। उसके बाद टू तो टू ही रहेगा भाई। अब की बार ना अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां एक्स है तो सबसे पहले अपर लिमिट में कितना है वन, तो जहां जहां एक्स आया है सब तरफ हम वन रख लेंगे। तो यहां टेन इनवर्स वन इंटू में वन प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस के अंदर टेन इनवर्स वन ब्रैकेट क्लोज, मैंने मॉड हो गया, ये तो हो गया। अब माइनस रखेंगे, माइनस एक्स के जगह पे जीरो, तो भाई एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो जीरो का जीरो हो जाएगा और माइनस ये वाला। तो अब लोअर लिमिट इसकी जगह पे भी जीरो रखेंगे, ये तो जीरो हो गया ना, एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब यहाँ पे रखेंगे तो लॉग के अंदर कॉस के अंदर टेन इनवर्स जीरो, ठीक है, टेन इनवर्स जीरो। अब यहाँ पे तो लिमिट रख दिया तो यहाँ हो जाएगा टू और वन का तो वन ही होगा, टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितना होगा पाई बाई फोर प्लस लॉग मॉड कॉस, टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स वन का वैल्यू होगा पाई बाई फोर मॉड हो गया, जीरो को तो कैंसिल आउट कर देते हैं माइनस लॉग कॉस और टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू कितनी होगी जीरो, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ पे जीरो है ना लोअर लिमिट, तो मॉड कॉस टेन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो कुल मिलाकर यहाँ टू हो गया पाई बाई फोर प्लस लॉग कॉस पाई बाई फोर यानी कि कॉस 45 कॉस 45 का वैल्यू हो गया लॉग वन बाई रूट टू और माइनस यहाँ कितनी हो गया भाई लॉग कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू हो गया वन, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे टू ले लेते हैं पाई बाई फोर, यहाँ यहाँ से माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितनी लॉग वन माइनस लॉग वन बाई रूट टू, ठीक है, टू का तो टू होगा पाई बाई फोर माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, फार्मूला होता है ना लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, तो यहाँ पे करेंगे लॉग एम बाई एन, तो वन बाई वन बाई रूट टू, तो रूट टू कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अब टू के साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल और माइनस टू लॉग रूट टू, ठीक है, टू लॉग रूट टू, और ये अगर यहाँ पे रहता है तो पावर चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई टू माइनस लॉग टू
क्यों log 2? क्योंकि 2 है जो पीछे रहता है तो पावर में जा सकता है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। ये था क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं, आप अगर ट्राई करें तो। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा इसको दिखाते चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों को, चूंकि ये 7.10 जो एक्सरसाइज है पूरा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ही है, तो चलिए इसमें हम लोग दिखाते हैं कैसे है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक लिमिट है, x है रूट ओवर x प्लस 2 है इंटू dx, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप x प्लस 2 को ना t मान लो, x प्लस 2 को मान लिया t, तो x का डिफरेंशिएशन dx, 2 का तो 0, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, t माइनस 2 होगा ना भाई, 2 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। इस तरीके से यहां बन जाएगा 0 से 2, x की जगह पे कितना रखेंगे t माइनस 2, और रूट ओवर x प्लस 2 को माना है t इंटू डी टी, क्योंकि dx के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं dt। तो कुल मिलाकर यहां से अब हम लोग 0 से लेकर 2 तक t को रूट टी के साथ मल्टीपल करेंगे तो t के पावर हो जाएगा 3/2, क्योंकि t के पावर यहां 1 और t के पावर यहां 1/2, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है 3/2 माइनस 2t के पावर 1/2 और पूरा dt, ठीक है। क्योंकि t का रूट टी के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को रूट टू टी के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इंटीग्रेशन का रूल है ना भाई, अलग अलग कर दो लिमिट के साथ, t के पावर 3/2 dt और माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, लिमिट 0 से 2 t के पावर 1/2 dt, ठीक है। उसके बाद देख लो, तो यहाँ पे हम लोग t के पावर 3/2 है तो ऊपर में भी 3/2 में भी 1 ऐड करेंगे और नीचे में भी 1 करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में 1 1 ऐड करते हैं। यहाँ पे रूल्स होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो t के पावर 3/2 में ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 5/2 बाई 5/2, ठीक है। ऊपर में भी 1 ऐड किया, नीचे में भी 1 ऐड किया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 माइनस 2 तो ऑलरेडी है भाई, 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 बाई 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अब इसको लिख सकते हैं ना भाई 2/5, इसको 2/5 लिख दिया, और t किसको माना है हम लोग, x प्लस 2, तो x प्लस 2 के पावर 5/2, लिमिट 0 से 2 माइनस 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो 2 2 4/3, और लिमिट कितना, टी का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ 2/5 तो 2/5 छोड़ देंगे, एक्स की जगह पर रखेंगे 2 और इसमें रखेंगे 0, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर 5/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स के जगह पे 0 तो 2 के पावर 5/2, ठीक है, और माइनस 4/3। इस बार भी क्या रखेंगे भाई, हम लोग एक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4, 4 के पावर कितनी 3/2 माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी भाई, तो एक्चुअली हम लोगों को हो जाएगा 0, एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 के पावर 3/2 और ब्रैकेट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहाँ से जो मिल रहा वो क्या मिल रहा, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ज़रा देखते चलिए। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा भाई 2/5 ये वाला, और ये 4 है ना, तो 4 को हम लोग कितनी के स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो देख लो, इसको लिखा 2 का स्क्वायर और पावर 5/2, इसको माइनस
इसको लिख दिया रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, 5/2, सॉरी 5/2, तो 2 से 2 नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 4/3 ब्रैकेट, उसी तरीके से इसको भी 2 का स्क्वायर लिखे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर कितनी बचेगी 3, माइनस यहाँ क्या बचेगी, तो रूट टू का स्क्वायर इसको भी लिखेंगे, इसको भी, तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ रूट टू के पावर 3 बचेगी, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बच जाएगा 2/5 ब्रैकेट 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 कितनी होती है भाई 32, माइनस रूट टू के पावर 5, यानी रूट टू, रूट टू 5 बार, ठीक है ना, तो इसको अगर 5 बार करेंगे तो कितनी बची, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 2, तो 2 जा 4√2 माइनस 4/3, 2 के पावर 3 का वैल्यू हो जाएगी 8, और माइनस √2 के पावर 3, √2 3 बार करनी है तो कितनी हो जाएगी भाई 2√2, है ना, 2 गो रूट मिलकर 1 ठो 2 हो जाएगी। अब क्या करना आपको, इसको इसको मल्टीप्लाई कर, तो 64/5 माइनस 4 दुना की 8 √2/5 माइनस 8 चौका 32/3 माइनस माइनस कितनी होगी, माइनस माइनस प्लस, और कितनी हो जाएगी 8√2/3। अब सबका क्या करेंगे भाई, एलसीएम, तो सबका एलसीएम कितनी होगी 15, 5 से ये 3 बार में कटेगी तो कितनी होंगी, 5 से 3 बार में 4 × 12 = 2, है ना, हाथ में 1 और 96 192 माइनस 5 से ये 3 बार में तो 24√2 और ये 3 × 5 = 15 तो कितनी हो जाएगी 160, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस इसको भी 5 से तो 40√2, ठीक है। अब देख लो 192 में से 160 गयो तो कितनी बचेगी भाई, 192 में से 160 अगर गया तो कितनी बनेगी, तो कुल मिलाकर 2 से 0 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि 32 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं, ऊपर बन रही है भाई 32, ठीक है, और किसकी संख्या ज़्यादा होगी तो प्लस की, और ये 24√2 है, 40√2 में से घटाना, तो 40 में से 24 गए कितनी बचेगी भाई, तो 16√2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 16√2 और बटा में कितना 15, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को आंसर कुछ इस तरीके से है। अब हम लोग यहाँ से ना 16√2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 16√2 को अगर कॉमन लेंगे भाई, तो 16√2 कॉमन करेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, तभी ना √2 मिलके 2 और 16 × 2 = 32 और प्लस में 1 और बटा में √15। तो इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर होगा 16√2 ब्रैकेट में √2 प्लस 1 बट्टा में 15। तो दोस्त ये था क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले दिन में अगले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।